মানে যেমন নিজেরই নিজে স্যাটিসফাই নেই। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे, आज लक्ष्मी पूजा होगा और हम एक घंटे से नहा धो के रेडी होके यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं पूजा का, तो अभी आएंगे वो लोग तो पूजा शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए भी हम ठाकुर हो रहा कल हमें सब केंद्र चिता पकड़ दिया। Yeah.
उधर चले जाते हैं। करते सुबह ना जब पूजा हुआ था तो छेना गुड़ और फल वगैरह भोग लगाया गया था, और लंच में जो जैसे हम खाते हैं ना सब कुछ, राइस दाल वगैरह, वैसे खिचड़ी दालमा और सैंडविच और खीर वगैरह सब कुछ बनेगा। तो उसकी प्रिपरेशन अभी हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम सैंडविच बनाएंगे चूल्हे पे, तो इसलिए मैं चूल्हा जला रही हूँ। और बिना किरोसिन के चूल्हा जलाना बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। बिना किरोसिन जलाना चूल्हे लगे बहुत कष्ट। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ହେଲି ମୋତେ ଆମ ଘରୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ୱାଓ କି ଷ୍ଟାଇଲିଆ ଛୁଆଟା ହେଇଛି। तो फ्रेंड्स सुबह ना पूजा तो हो गया था, और अब देखिए कि लक्ष्मी माता को कैसे सजाया गया है। मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, नई दुल्हन जैसी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे देखने में हर साल। और अभी हम लंच हो गया है, लंच का टाइम हो गया है, अभी फिर भोग होगा। तो उसके लिए यहाँ पे भोग के लिए सब परोसा जा रहा है। एक जाएगा मंदिर में, हमारे जो लक्ष्मी मंदिर में भोग करने के लिए, और एक थाली जाएगा हमारे मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में। और ये दही पखाल भी बनाया गया था, खीर बनाया गया था, सैंडविच बनाया गया था,
साग खिचड़ी डालमा ये सब कुछ बनाया गया था भोग के लिए। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है कि लाइक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स ने ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, और अगर नए आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए। ठाकुर घर पर कि मतलब हाँ।